गुड इवनिंग एवरीवन, एम आई ऑडिबल? ये पहले से यस सर टाइप करके रखता है यहाँ। कैसा हुआ TWT3? हो गए थे क्वेश्चंस पीएनसी के? मुश्किल तो नहीं लगा? मोस्टली इजी था। और ये तो तब था जब अभी तुमने पूरा मॉड्यूल भी नहीं किया। अभी मॉड्यूल कहाँ हुआ तुम्हारा? पूरा हो गया क्या? नो सर। ठीक है, तो अपने नोट्स में काफी कुछ है ना। ठीक है, वो जो एक दो एप्लीकेशन पार्ट बचे मैं बोल रहा था, उसके लिए ना हम क्लास अभी, आई गेस तुम्हारा नेक्स्ट संडे पेपर है जिसमें प्रोबेबिलिटी भी आ रहा है, राइट? यस सर। तो वो जो दो तीन एप्लीकेशन पार्ट बचे हैं उसको ना हम एक दिन बीच में, किसी दिन वेडनेसडे या फ्राइडे को ना शाम में एक ऐसा सेशन रख के 1 घंटे का, मैं इन्फॉर्म करता हूँ तुम्हें ग्रुप में, तो हम अलग से उसको कर लेंगे कवर। अभी हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं बिकॉज ये भी खत्म करना। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले लिखो रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता? तो दो तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं। एक एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट आपको पहले से पता हो, ठीक है, जिसका रिजल्ट आपको पहले से पता हो कि जैसे मान लो सोडियम एंड क्लोरीन को किसी सर्टेन टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में आपने मिक्स किया तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, उसका रिजल्ट आपको पहले से पता है, उसको मैं रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं बोलूंगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट जैसे मान लो एक डाइस को थ्रो किया, एक डाइस को रोल किया, उसमें आपको ये पता है कि क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं, बट एग्जैक्ट रिजल्ट क्या आएगा 1 से लेके 6 के बीच में वो नहीं पता, उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट, एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ इट फॉलोज टू कंडीशंस। इफ इट फॉलोज टू कंडीशंस, फर्स्ट इट हैज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम, मोर देन वन पॉसिबल आउटकम, एक से ज्यादा आउटकम्स हैं उसमें। दूसरा, इट इज नॉट पॉसिबल, दूसरी कंडीशन, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम इन एडवांस। पहले से मैं आउटकम नहीं निकाल प्रिडिक्ट कर सकता कि क्या आउटकम आएगा, है ना। वंस अगर मैंने डाइस रोल किया तो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि भाई 6 ही आएगा या 2 ही आएगा, ऐसा मैं नहीं बोल सकता। या कॉइन टॉस किया तो हेड ही आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हेड और टेल दो पॉसिबिलिटीज हैं, बट एग्जैक्टली क्या आएगा मैं ये नहीं बता सकता, तो उसको क्या बोलेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सेम। फिर उसके बाद आउट, ये जो मैं आउटकम लिख रहा हूं, आउटकम का मतलब क्या है? बेसिकली पॉसिबल रिजल्ट को ही आउटकम बोलते हैं। सिंपल है, सीधा सीधा, जल्दी जल्दी ये जो बेसिक टर्म्स हैं वो कवर कर लेते हैं।
अच्छा आउटकम को ही सैंपल पॉइंट भी बोला जाता है, ठीक है, सैंपल पॉइंट भी बोलते हैं आउटकम को ही। सैंपल पॉइंट मतलब भाई पॉसिबल रिजल्ट। देन सैंपल स्पेस, व्हाट इज सैंपल स्पेस? सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, राइट? जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है उसका सेट अगर मैं बनाऊं तो उसको सैंपल स्पेस बोलेंगे, ठीक है। देन उसके बाद इवेंट, इवेंट क्या होता है? अब जैसे मान लो अपना एक सैंपल स्पेस, जैसे एक एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग, ये नहीं रोलिंग अ डाइस, तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 ये सेट है ना। अब उसमें मैं अगर एक इवेंट डिफाइन करूं, एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, कौन कौन से आउटकम्स इंक्लूड होंगे? 2 3 5 अरे 1 कहां पे, 2 3 5 है ना प्राइम नंबर्स, 2 3 5। तो इवेंट में अगर आप ध्यान से देखो जो एलिमेंट्स आ रहे हैं 2 3 5, क्या मैं कह सकता हूँ ये जो इवेंट है, ये जो सेट बना, इवेंट क्या है? एक सेट ही है जो जो उस इवेंट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे। और ये कैसा सेट है? जो सैंपल स्पेस का ही सबसेट है, राइट? इट इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। दिस इज नथिंग बट सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, करेक्ट? तो इवेंट क्या है? कुछ नहीं, सबसेट है सैंपल स्पेस का ही, ठीक है। लिख लिया ये? यस सर। देन इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, द एम्प्टी सेट फाई इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट, इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट। या फिर मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं, ई इज एन इम्पॉसिबल इवेंट If probability of occurrence of E is zero, अब जैसे experiment define कर दिया rolling a dice and उसमें बोला एक event define किया number, a number getting a number greater than 7, तो इस event के elements क्या होंगे? कुछ नहीं, 5 ना, तो ये एक impossible event है, right? ये तो अक्कर ही नहीं करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो है। देन श्योर इवेंट, ये एम्प्टी सेट फाइव है, श्योर इवेंट, ई इज कॉल्ड अ श्योर इवेंट इफ, मतलब श्योरिटी है कि ये होगा ही होगा, गारंटी है। That means if probability of E is equal to 1, मतलब जैसे अगर एक experiment है of rolling a dice and उसमें बोला probability of getting a number less than, getting a natural number less than 7, तो ये sure event है, obviously 1 2 3 4 5 6 इनमें से ही तो कोई होगा, जो भी होगा, तो इस event की probability क्या है? 1। इसको मैं क्या बोलूँगा? Sure event है, 100% chances हैं कि ये event occur करेगा, ठीक है। देन सिंपल इवेंट, सिंपल इवेंट, एन इवेंट हैविंग only
वन सैंपल पॉइंट, एन इवेंट हैविंग ओनली वन सैंपल पॉइंट. जैसे मान लो एक एक्सपेरिमेंट है रोलिंग अ डाइस, एंड इसमें एक इवेंट डिफाइन किया गया इज इक्वल टू गेटिंग अ नंबर, गेटिंग अ इवन, गेटिंग एन इवन प्राइम. तो इस इवेंट को मैं कैसे लिखूंगा, बस टू आएगा इसमें और तो कुछ आएगा ही नहीं ना. गेटिंग एन इवन प्राइम, बस टू आएगा और कुछ आएगा ही नहीं. तो ये क्या है, एक सिंपल इवेंट है, इसमें सिर्फ एक ही सैंपल पॉइंट है, एक ही सैंपल पॉइंट है, राइट. ठीक है, सिंपल इवेंट. तो इसमें मैं ऐसा लिख सकता हूं, इफ ns इज इक्वल टू m, ns मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस को कैपिटल s से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट. सैंपल स्पेस को कैपिटल s से रिप्रेजेंट किया जाता है. If ns is equal to m, then for this experiment, number of simple events will be, number of simple events is m. तो भाई जैसे rolling a dice में अगर देखो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं सैंपल स्पेस में, सिक्स एलिमेंट्स हैं, तो सिंपल इवेंट्स कितने पॉसिबल हैं, सिक्स ही है ना. एक इवेंट जिसमें सिर्फ वन हो, एक इवेंट जिसमें सिर्फ टू हो, एक इवेंट जिसमें सिर्फ थ्री हो, एक इवेंट जिसमें सिर्फ फोर हो, एंड एक इवेंट जिसमें सिर्फ फाइव हो, एंड एक इवेंट जिसमें सिर्फ सिक्स हो. तो ये छह सिंपल इवेंट्स पॉसिबल हैं इस एक्सपेरिमेंट के लिए. तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे सैंपल स्पेस में, उतने ही सिंपल इवेंट्स पॉसिबल हैं उस एक्सपेरिमेंट के लिए. डन. Then compound event. If an event has more than one sample point, then it is called a compound event. भाई एक ऐसा इवेंट जिसमें एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट है उसको कंपाउंड इवेंट बोलेंगे. सिंपल जैसे रोलिंग अ डाइस एक्सपेरिमेंट में एक इवेंट डिफाइन किया, इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर. तो उसमें कितने एलिमेंट्स है, कौन कौन से है, 2 4 6 तीन एलिमेंट्स है. तो ये क्या, एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट है ना, इसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स है, तो मैं इसको कंपाउंड इवेंट बोलूंगा. ठीक है, तो दो सिंपल इवेंट्स कंबाइन होकर के, या तीन सिंपल इवेंट्स कंबाइन होकर के, या चार या पांच सिंपल इवेंट्स कंबाइन होकर के कंपाउंड इवेंट बनाएं, एक से ज्यादा सिंपल इवेंट्स. देन Let us come to algebra of events. ये बिल्कुल वही है जो हमने सेट में पढ़ा होगा, सेट थ्योरी में, एकदम 11th का सबसे पहला चैप्टर. कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, लेट्स सपोज ए एक इवेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए बार और ए डैश और ए सी. दिस इज इक्वल टू नॉट ए,
और आई विल से सैंपल स्पेस माइनस ए। अब प्रोबेबिलिटी के केस में जो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या होगा, सैंपल स्पेस होगा राइट। अब तो यही तो लिखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस ए, करेक्ट। हाँ जी ऐसा ही होता है कि नहीं? यस सर। देन द इवेंट ए और बी, जब बोला गया कि भाई ए अकर करे या फिर मतलब और बी अकर करे, दैट सिंपली मींस वो ए यूनियन बी की बात कर रहे हैं। द इवेंट ए एंड बी अगर बोला गया है, दैट सिंपली मींस वो क्या बोल रहे हैं, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बी की बात हो रही है, ए इंटरसेक्शन बी। एंड द इवेंट ए बट नॉट बी, अगर ऐसा है तो ए बट नॉट बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए माइनस बी, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और सिंपली सेइंग ए माइनस बी, दिस इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब अगर इसको मैं वेन डायग्राम में दिखाऊं, अगर इसको वेन डायग्राम में दिखाऊं तो ये ए ये बी, तो ए माइनस बी क्या होगा, ए बट नॉट बी, ये वाला इवेंट ए माइनस बी, या फिर मैं बोलूं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देन द इवेंट नीदर ए नॉर बी, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और आई कैन से ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये तो बेसिक बेसिक है। डन यस सर। देन अब लिखो इक्वली लाइकली इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स, इवेंट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वली लाइकली, आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ probability of occurrence of A is equal to probability of occurrence of B, मतलब A और B के अगर chances occur होने के chances equal हैं, तो हम बोलेंगे A and B क्या है, equally likely events, ठीक। Then mutually exclusive या फिर इसको disjoint या फिर इसको इनकम्पैटिबल इवेंट्स भी बोला जाता है, इनकम्पैटिबल इवेंट्स, और ये कौन से हैं, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव इफ इफ A intersection B is equal to phi, कोई कुछ भी कॉमन नहीं है, वेन डायग्राम बनाए तो ऐसा दो सर्कल है अलग अलग, A intersection B is equal to phi, then exhaustive events the events E1, E2,
and so on up to En are said to be exhaustive events if exhaustive का मतलब क्या, देखो exhaustive मतलब एक ऐसा set of events जिन जो पूरे sample space को exhaust कर दे, मतलब अगर मैं इनका union लूँ तो वो sample space के ही equal आए, अगर उन सब का union is equal to sample space तो उनको हम क्या बोलेंगे, exhaustive event, ठीक है। Done. ठीक है, देन क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट, ये तो पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट ए, ए कोई इवेंट है तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, दैट इज एन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस एन एस, सो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एन ए बाय एन एस। एक चीज यहाँ पे नोट करेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल लाइव बिटवीन जीरो एंड वन, राइट, एंड प्रोबेबिलिटी ये जीरो कब होगा, बेसिकली जब ए क्या होगा, एक फाई एम्प्टी सेट होगा, तो आई कैन से दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई विल बी जीरो, एंड वन कब होगा, जब ए किसके इक्वल है, सैंपल स्पेस के, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इज इक्वल टू वन। एंड वन मोर थिंग वी कैन से, this probability of a complement will be equal to 1 minus probability of a, right, ऐसा बोल सकता हूँ क्या, क्योंकि होगा क्या कि a और a complement को मिला करके जो probability आएगी ना, वो तो total probability 1 के ही equal आना चाहिए ना, a और a complement और a की probability मिला दी, मतलब हमने सारा पूरा सब कुछ जोड़ दिया, तो वन आएगा, राइट, सो दैट्स व्हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट विल बी वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ओके, प्लेइंग कार्ड्स एक बार देख लेते हैं जल्दी से, कौन कौन से होते हैं क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना इसके, तो टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितने उठते हैं, 52। अब इसमें चार सूट्स होते हैं टोटल, कौन कौन से, क्लब, स्पेड, देन
then diamond and heart. And club में king, queen, jack, then ace, and 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये क्लब के ये सारे कितने टोटल 13 हो गए. और ऐसे ही स्पेड के और ऐसे ही डायमंड के किंग क्वीन जैक एस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 13 ये हो गए. एंड यही 13 हार्ट्स के. तो टोटल 26 रेड. रेड कितने हुए 26. ब्लैक कितने हुए 26. अच्छा इनको तो ये कार्ड्स है किंग क्वीन जैक. इनको क्या बोला जाता है फेस कार्ड्स. क्योंकि इसमें देखोगे अगर आप किंग क्वीन जैक में फेस बना होता है उनका राइट. इनको बोलते हैं फेस कार्ड्स. तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं 12. हर एक सूट में 3, 3, 3. और इनको किंग क्वीन जैक एस इनको किंग क्वीन जैक एस इनको बोला जाता है ऑनर्स कार्ड. ऑनर्स कार्ड किंग क्वीन जैक एस. तो टोटल ऑनर्स कार्ड कितने हैं 16. 4 इन ईच सूट. Done. एक और होता है एक नेव कार्ड्स. वैसे तो ये यूज नहीं होता मोस्टली. यूज ये नहीं मतलब आज तक तो जे ने इसको यूज नहीं किया. 10 जे एंड क्यू जैक क्वीन. 10 जैक क्वीन इनको बोलते हैं नेव कार्ड्स. लिख लो. वैसे तो ये मुश्किल ही यूज होगा कभी आज तक तो हुआ नहीं है ठीक है. अपने को पता होना चाहिए. क्या पता कल को जेई में ये नेव कार्ड्स पे क्वेश्चन आ जाए. पता ही नहीं हो क्या होता तो क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे. क्वेश्चन आसान सा देंगे वो बट ये वर्ड यूज कर लेंगे नेव कार्ड. डन. एक क्वेश्चन लिखो. 4 एप्पल्स एंड 3 ऑरेंजेस आर प्लेस्ड इन अ लाइन. जो एप्पल्स है वो आइडेंटिकल है जो ऑरेंजेस है वो आइडेंटिकल है अपने में. प्लेस्ड इन अ लाइन फाइंड द चांसेस. Find the chances or find the probability that the extreme fruits are both oranges.
1/7, ठीक है, करेक्ट. देखो एन ए पर एन एस करना है ना यहाँ पे. अब सैंपल स्पेस क्या आएगा, सैंपल स्पेस में तो क्या आएगा भाई, चार ऑरेंज है और तीन ऑरेंज है एंड चार एप्पल है. तो सैंपल स्पेस में तो क्या आएगा, वो तो अपना सारा पॉसिबल इनका अरेंजमेंट है, 1 factorial by 3 factorial 4 factorial. और अगर इसको इवेंट को ए बोलूं कि एक्सट्रीम फ्रूट्स आर बोथ ऑरेंजेस, तो उस केस में तो ये ओ और इधर ओ, बाकी ओ ए ए ए, चार एप्पल. हाँ तो इनको अरेंज करना है, इनको फिक्स करके बाकियों को अरेंज करना है. तो यहाँ एन ए दैट विल बी इक्वल टू 5 factorial by 4 factorial. तो बस प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5 factorial by 4 factorial upon 7 factorial by 3 factorial 4 factorial. ये इससे कैंसिल, तो ये आ गया 5 factorial into 3 factorial divided by 7 into 6 into 5 factorial. ये इससे कैंसिल और ये 3 factorial और 6 कैंसिल, तो 1/7. ठीक है, डन. नेक्स्ट क्वेश्चन, पेयर ऑफ डाइस has been rolled. Find the probability that at least one of the dice shows up the face one. प्रशस्त सही है ईशान, नॉट करेक्ट. नो ध्रुव, नॉट करेक्ट. एट लीस्ट वन डाइस शोज अप द फेस वन. नहीं ईशान, इसको ऐसा कर सकते हैं ना, एटलीस्ट वन ऑफ द डाइस. अब दो डाइस हैं, शोज अप द फेस वन. अब पेयर ऑफ डाइस में जो सैंपल स्पेस है वो क्या आएगा, 36 आएगा ना. एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक डाई तो वन शो करे. तो क्या क्या पॉसिबिलिटी, 1.1, 1.2, 1.3 एंड सो ऑन टिल 1.6. दूसरा 2.1, 3.1, 4.1, 5.1. तो टोटल कितने हो गए, 11 हो गए. तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 11/36. ठीक है, या फिर ऐसा भी कर सकते थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन इज इक्वल टू 1 - probability no dice shows one. ऐसा कर सकता हूँ क्या,
एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट ही हुआ ना भाई, एटलीस्ट वन एंड नो, एटलीस्ट वन डाइस शोज वन एंड वन बाई एंड नो डाइस शोज वन, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हुए राइट. So this will be one minus probability no dice shows one. So sample space तो वही 36 6 into 6. No dice shows one का मतलब दोनों के पास पांच पांच ऑप्शन है, 5 into 5 that is 11 by 36 again. Clear है क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट टॉपिक ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट. ये एक टर्म है, एक्चुअली दो टर्म है, ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट. सपोज ए कोई इवेंट है, ए कोई इवेंट है, तो ऑड्स इन फेवर ऑफ ए को डिफाइन किया जाता है एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, डेफिनेशन है बस एक ही नॉर्मल, ऑड्स इन फेवर ऑफ ए. बेसिकली ये रेशियो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए का विद नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर नॉट इन ए एंड ऑड्स अगेंस्ट ए. Odds against A. This is equal to number of elements in A complement divided by number of elements in A. अच्छा एक चीज और कि अगर if let's suppose if first point यहाँ पे लिख रहा हूँ if odds in favor of A is equal to let's suppose दिया हुआ है m by n है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ number of elements in A m होगा? m by n की जगह a by b लिख देते हैं, a by b. तो क्या मैं बोल सकता हूँ number of elements in A होगा and number of elements in A complement b होगा? नहीं, जरूरी नहीं है, ratio इसके equal है ना. मान लो number of elements in A 4 है and number of elements in B 6 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट 6 है, तो ये 2/3 आएगा. अब मैं सीधा सीधा अगर मैंने बोल दिया कि भाई ऑड्स इन फेवर ऑफ ए 2/3 है, तो जरूरी नहीं ना कि ये 2/3 एक्चुअली में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 2 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट 3 हो. ऐसा भी तो हो सकता है 4/6 या फिर 8/12, ऐसा कुछ कुछ भी हो सकता. बट यहाँ पे एक चीज आएगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी इक्वल टू ए अपॉन ए प्लस बी. ये कैसे आया? इसका प्रूफ अगर देखें बहुत ही आसान है कि भाई a by b क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट, राइट? सो आई कैन से दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट को ऐसे ही लिखूंगा. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये a इंटू एन एस माइनस, या फिर इसमें वो लगा दूं क्या मैं कॉम्पोनेंट हो, ए बाय ए प्लस बी इज इक्वल टू एन ए बाय एन एस माइनस एन ए प्लस एन ए.
कंपोनेंट याद है, तो ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही तो होता है, याद है ये? अरे बोलो, ये समझ आया ना? हाँ, कंपोनेंट लग रहा। इफ ऑड्स अगेंस्ट ए इज इक्वल टू ए बाय बी, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी बी बाय ए प्लस बी, बी बाय ए प्लस बी। ठीक है, तो अगर मान लो जैसे ऑड्स इन, जैसे फॉर एग्जांपल ऑड्स इन फेवर ऑफ ए दे दिया, ऑड्स इन फेवर ऑफ ए दे दिया 2/3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगा, 2/2 + 3 दैट इज 2/5। या फिर लेट्स सपोज ऑड्स अगेंस्ट बी दे दिया 4/7, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ जाएगा, 7/4 + 7 दैट इज 11। Okay, then we'll come to dependent and independent events. Dependent and independent events. So, independent events ka definition likho. Independent events kya hota? Independent events. Events A and B are said to be independent if occurrences or non-occurrences, if occurrence or non-occurrence of one does not affect hello, am I audible? Yes, yes, sir. Yes, sir. Disconnect all your events A and B are said to be independent if occurrence or non-occurrence of one does not affect the probability of
अकरेंस और नॉन अकरेंस, अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ द अदर। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट्स ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें अगर एक इवेंट अकर कर गया या फिर एक इवेंट अकर नहीं किया, तो उस ऐसा होने की वजह से दूसरे इवेंट के अकर या नॉन अकरेंस के जो प्रोबेबिलिटी है वो चेंज नहीं होगी। तो इसी का उल्टा होगा डिपेंडेंट इवेंट्स के, भाई अगर एक इवेंट अकर करता है तो दूसरे इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी पे फर्क पड़ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे एक इवेंट है, इवेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाइस, इवेंट ऑफ थ्रोइंग अ रोलिंग अ डाइस एंड थ्रोइंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन, ये इवेंट है। तो उसका सैंपल स्पेस क्या आएगा, पहले तो चलो ये बताओ सैंपल स्पेस क्या होगा। इवेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाइस, ओ एक्सपेरिमेंट है, सॉरी नॉट इवेंट, एक्सपेरिमेंट है ऑफ थ्रोइंग अ डाइस एंड टॉसिंग अ कॉइन, पहले ये बताओ इसका सैंपल स्पेस क्या होगा। एनएस नहीं पूछ रहा मैं, सैंपल स्पेस में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि भाई एक इवेंट है जिसमें डाइस पे 6 आता है, तो क्या उससे कॉइन के हेड आने पर फर्क पड़ेगा? नहीं, ये दोनों इंडिपेंडेंट है। ठीक है, बट अगर मैंने बोला एक थ्रोइंग अ डाइस में या फिर ऐसा समझो थ्रोइंग अ पेयर ऑफ डाइस में अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं कि भाई सेकंड, ऐसा समझते हैं, एक काम करते हैं, इंस्टेड ऑफ दिस एक इवेंट है जैसे थ्रोइंग अ डाइस में एक इवेंट है, थ्रोइंग अ डाइस में एक इवेंट है ए गेटिंग एन इवन नंबर और एक इवेंट है बी गेटिंग टू। अब ये दोनों डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, क्यों? क्योंकि अगर इवेंट ए को मैं अभी भूल जाऊं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट बी कितना है, 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, 1/6, राइट। बट अगर मैंने बोला कि इवेंट ए अकर कर रहा है, अगर मैंने बोला कि इवेंट ए अकर कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी क्या होगा? हेलो, आई एम ऑडिबल? स्क्रीन इज क्रैक, जस्ट अ सेकंड। अभी ठीक है? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे throwing a dice में, let's suppose मैं दो events define करता हूँ, event A है getting an even number, event B है getting two. तो A को अभी भूल जाओ, तो probability of B क्या आएगा? One by six.
वन बाय सिक्स ना, बट अगर मैंने बोला कि इवेंट ए अकर कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगा? वन बाय थ्री, क्योंकि अब सैंपल स्पेस रिड्यूस होकर के कितना हो गया, सैंपल स्पेस में सिर्फ तीन एलिमेंट्स रह गए ना, टू फोर सिक्स। तो बेसिकली अगर एक के अकर होने से दूसरे इवेंट पर असर पड़ता है, कि प्रोबेबिलिटी पर असर पड़ता है, तो उसको हम डिपेंडेंट इवेंट्स बोलेंगे, ठीक है? क्लियर है? डिपेंडेंट इवेंट्स, तो इवेंट जिसमें एक के अकर करने से दूसरे की प्रोबेबिलिटी पे अकर वो फर्क पड़ता है। Then, next, theorems on probability. Theorems तो खैर क्या, ये बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, theorems on probability. It says कि probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. कैसे? बहुत ही सिंपल है, वी नो n ऑफ a यूनियन b विल बी इक्वल टू na प्लस nb माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, राइट? na प्लस nb माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। अगर मैं इसको ns से डिवाइड कर दूं पूरे को, तो ये क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b, ये क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a, ये क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, राइट? सही है, बेसिकली वो सारे रूल्स फॉलो होंगे इसमें जो सेट में फॉलो होते हैं, तो इतना अपने को, मैं इसको कुछ ऐसा अलग से नहीं लिख रहा। एक ये चीज लिख लो कि इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, if a and b are mutually exclusive, then probability of a union b is equal to probability of a plus probability of b. क्यों? probability of a union b is equal to probability of a plus probability of b. why? क्योंकि a intersection phi होगा ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन फाइ है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी जीरो, राइट? बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी जीरो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इंटरसेक्शन है ही नहीं। अच्छा ये बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट्स, एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट्स आउट ऑफ ए एंड बी, एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट्स आउट ऑफ ए एंड बी, ये क्या आएगा? तो जीरो आ गया प्रेशस, ए और बी और ए यूनियन बी तो सेम होता,
सर्वेश करेक्ट. Occurrence of one of the events. इसको पहले तो चलो वेन डायग्राम बनाते हैं. देखो यहाँ पे एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट्स का मतलब है, जैसे अगर ये ए है ये बी है, एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट्स का मतलब ये और ये वाला. क्लियर है? दिस इज एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी, एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी. So this is equal to, I can say probability of A union B minus probability of A intersection B, correct? Or I can say probability of A intersection B complement plus probability of B intersection A complement. Or I can say probability of A minus B plus probability of B minus A. और आई कैन से यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस टू टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. Then okay, question like to students. A and B appeared in an examination. Appeared in an examination. The probability that A will qualify the exam is 0.05, and that B will qualify is 0.1. The probability that both will qualify is 0.02. Find the probability that first, both A and B will not qualify. Second, at least one of them will not qualify. Third, only one of them will qualify. Only one of them will
क्वालिफाई करो जल्दी से, तीनों का आंसर बताओ। हाँ जी देखते हैं, फर्स्ट का आंसर है 0.87, 0.87, 0.98 नहीं 0.87। देखो प्रोबेबिलिटी दैट ए विल क्वालिफाई इज 0.05, प्रोबेबिलिटी दैट बी विल क्वालिफाई इज 0.1, एंड प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ए एंड बी दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इज 0.02। ठीक है, both a and b will not qualify, both a and b will not qualify, इसका मतलब both a and b will not qualify का मतलब probability of a complement intersection b complement पूछ रहा है ना ये, that is probability of a union b complement पूछ रहा, हाँ that means one minus probability of a union b पूछ रहा, that means 1 minus probability of a union b will be probability of a plus probability of b minus probability of a intersection b, that means 1 minus 0.05 plus 0.1 minus 0.02, to ye kitna aayega dekho 0.13 to 0.87, ठीक है, कोई डाउट इसमें? देन सेकंड, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई। देखो तो इन टोटल अगर मैं टोटल देखूं तो भाई ए क्वालिफाई किया बी क्वालिफाई नहीं किया, मतलब ए और बी का देखते हैं, ए बी, ए क्वालिफाई किया बी क्वालिफाई किया, ए किया बी नहीं, ए नहीं किया बी किया, एंड दोनों ही नहीं किए, अपने को चाहिए एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, मतलब ये, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं दैट प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल क्वालिफाई, बोलो लिख सकते हैं क्या, क्योंकि टोटल तो 1 आएगा, 1 minus probability that both will qualify, so 1 minus probability, 1 minus 0.02, that is 0.98. ठीक है,
then only one of them will qualify. Only one of them, मतलब ये वाला हो गया ना, only one of them, ये तो यही हो गया ना जो अभी किया था हमने, exactly one of the event occurs, मतलब ये वाला. तो ये क्या आएगा, probability of A, ये क्या आएगा, A union B minus probability of A intersection B. A union B हम निकाल चुके थे यहाँ पर, कितना आ रहा था, 0.13 आ रहा था ना, तो 0.13 minus 0.02 that is 0.11. ठीक है, क्लियर है. Okay, then conditional probability. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है कि अगर मान लो मुझे किसी इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है गिवन सम कंडीशन, जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई ऐसा बोला कि एक एक्सपेरिमेंट है ऑफ लेट्स सपोज थ्रोइंग अ डाइस, रोलिंग अ डाइस, एंड उसमें बोला कि भाई हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं रोलिंग अ डाइस का, एंड उसमें एक हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ अकरेंस ऑफ अ प्राइम नंबर. ठीक है, अकरेंस ऑफ अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर अकर करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. वैसे तो ये क्या आती, 3/6, 1/2 आती, यस है ना, 1/2 आती. बट अब उसमें कंडीशन लगा दी कि भाई मतलब एक बता दिया गया पहले से कि पहले से ही एक कंडीशन लगा दी कि इवन नंबर अकर करेगा, तो अब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी प्राइम नंबर के अकर करने की, 1/3 हो जाएगी ना, क्योंकि होगा क्या, कंडीशन लगाने की वजह से जब एक पहले से बता दिया गया कि इवन नंबर अकर कर रहा है, तो हमारा सैंपल स्पेस जो पहले ns 6 था वो अब ns रिड्यूस होके 3 हो गया, मतलब सैंपल स्पेस रिड्यूस हो गया. गेटिंग माय पॉइंट? सो इसमें जब कंडीशन लगा दी जाएगी, व्हेन कंडीशन is applied, sample space will be reduced.
जैसे एग्जांपल रोलिंग अ डाइस में अगर कंडीशन लगा दी गई, कंडीशन लगा दी कि भाई इवन नंबर पहले से ही बता दिया, इवन नंबर इज अकरिंग, तो अब जो सैंपल स्पेस आएगा वो 246 आएगा। अब जो इवेंट है गेटिंग गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो इसमें बस एक ही एलिमेंट आएगा, 2, 3 और 5 नहीं आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर विल बी 1/3 नाउ। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि कंडीशन लगा दी जाएगी और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा सैंपल स्पेस चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसा लिखते हैं, इसको मैथमेटिकली अगर देखें तो इसको ऐसा लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी of occurrence of an event A when the event B has already occurred, and इसको mathematically लिखते हैं PA/B, PA/B, या फिर इसको ऐसा भी लिखते हैं PA/B, ऐसा प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, दिस इज इक्वल टू क्या होगा सोचते हैं, कि अगर मैं ये देखूं, ये हमारा सैंपल स्पेस, ये इवेंट बी, ये इवेंट ए, तो अब हमारा जो सैंपल स्पेस है वो क्या बन चुका है, बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो जो सैंपल स्पेस है वो तो क्या बन गया, एन बी ही हो गया, बी ही सैंपल स्पेस के इक्वल हो गया ना अब। और यहाँ पे फेवरेबल कौन से हो गए, फेवरेबल ये वाला हो गया ना फेवरेबल पोर्शन, क्योंकि सैंपल स्पेस के अंदर ही देखेंगे, और ये पोर्शन कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी, गेटिंग। फर्दर इसको मैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, दिस इज इक्वल टू, फर्दर इसको मैं ए इंटर दोनों को एनएस से डिवाइड कर दूं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो ध्यान से देखो, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, गेटिंग। हाँ जी बोलो, समझ आ रहा है क्या, मेरा सैंपल स्पेस अब ये बन चुका है, ये बी, इसके अंदर ए के फेवरेबल एलिमेंट्स कौन से होंगे, यही तो होंगे जो पर्पल से मार्क किए हैं, मतलब इंटरसेक्शन वाले, तो सिमिलरली कैन आई से दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी गिवन दैट ए हैज अकर्ड विल बी probability of A intersection B divided by probability of A, क्योंकि अब sample space reduce होके A के equal हो गया, right? From here I can say one more thing, कुछ नहीं कर रहा, cross multiply कर रहा हूँ, this is equal to probability of A by B into probability of B. Further, this is also equal to, ध्यान से देखो, this is also equal to probability of B by A into probability of A, कैसे, यहां से आया वो, ठीक है,
जी देखो इसमें कोई डाउट कहीं पे भी? Then okay. ठीक है क्वेश्चन लिखो. रोल अ फेयर डाई ट्वाइस, दो बार रोल किया एक डाई को. लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट दैट द सम of the two rolls equals 6, and let B be the event that the same number comes up twice. Find probability A by B and probability B by A. Thank you.
ठीक है सर्वेश करेक्ट, ये ठीक है, बी बाय निकालो। प्रोबेबिलिटी ए बाय बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज अकर्ड। हाँ ठीक है प्रोसेस करेक्ट, दोनों सही है। निशान ठीक है, फर्स्ट ठीक है, हाँ सर्वेश करे ये भी सही है, सेकंड सही है। देखो ए क्या है, गेटिंग जो सम है, सम इज सिक्स, सम सिक्स, तो इसमें क्या क्या आएंगे देखो, 1551, 24, 42, 33, ठीक है। और बी में क्या आएगा, बी है सेम नंबर, सेम नंबर, तो सेम नंबर कौन कौन से, 11, 22, 33, 44, 55, 66। तो प्रोबेबिलिटी ए बाय बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट इज, या फिर सिंपली सिंपली आई कैन से एन ए इंटरसेक्शन बी बाय एन बी, ऐसा भी बोल ही सकता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, एक ही है ना ये, तो वन बाय एन बी सिक्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए विल बी प्रोबेबिलिटी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय एन ए, That is 1/5। क्लियर है क्या, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये हो गया सबका ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्लास 30% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन फिजिक्स, ट्वेंटी फेल्ड इन मैथ्स, 15% failed in both physics and maths. If a student is selected at random, failed in mathematics, find the probability that he failed in physics also.
निशान करेक्ट। नहीं प्रशस, चेक करो फिर से। फिफ्टीन परसेंट नहीं, फिफ्टीन बाय 25। हाँ ठीक है, सही है, 3/5 ना। हाँ ठीक है, प्रोबेबिलिटी का पीडीएफ है क्या किसी के पास? प्रोबेबिलिटी का पीडीएफ हार्ड कॉपी है? पीडीएफ का लिंक यार वो लास्ट टाइम भेजा था ना पीएनसी का किसने। प्रोबेबिलिटी का चेक करो एक बार। अच्छा यहाँ पे अगर मैं एक इवेंट डिफाइन करूं ए कि फेल्ड इन फिजिक्स, बी फेल्ड इन मैथ्स, फेल्ड इन मैथ्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? 30/100 राइट, और आई कैन से 3/10, 30/100 ही लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 25/100, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 15/100। अपने को क्या निकालना है? अब इसमें बोल रहा है कि इफ अ स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रेंडम फेल्ड इन मैथमेटिक्स, मतलब भाई ये बता दिया गया कि वो मैथ्स में फेल हुआ है, तो अपने को बताना है कि वो फिजिक्स में भी फेल हुआ है, मतलब इवेंट बी हैज अकर्ड,
So we have to find probability A given that B has occurred, that is probability of A intersection B divided by probability of B. That is 15 by 100 upon 25 by 100, or I will say 3 by 5. 15 by 100 upon 25 by 100, that is 3 by 5. Okay? ठीक है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, होमवर्क लिख लो आज के लिए इतना ही. एक्सरसाइज वन, ये सॉरी, इन चैप्टर एक्सरसाइज वन पूरा, इन चैप्टर एक्सरसाइज वन ऑल क्वेश्चंस. और इन चैप्टर एक्सरसाइज टू में, इन चैप्टर एक्सरसाइज टू में क्वेश्चन नंबर वन से लेकर के क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर सिक्स ठीक है, यही. नेक्स्ट क्लास कब है? प्रोबेबिलिटी में हाउ मेनी लेक्चर्स हो जाएगा इस वीक में? अपना दो लेक्चर और है ना, आई गेस. कल है ना क्लास? हाँ, तो ये कर लेना, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, ये कल की क्लास से पहले कर लेना है. ठीक है, ओके, देन आज के लिए इतना ही, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में.